तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम दो सेंसर को सीरीज में कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कनेक्ट करने से हमारी बहुत सारी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सॉल्व होती है। मैं आपको हर एक चीज प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा और इस सीरीज कनेक्शन को यूज करके हम एक इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे, जिसमें होता क्या है, हमें एक वही बॉटल्स काउंट करनी है जो खड़ी हुई बॉटल्स पास होगी। अगर कोई भी बॉटल गिरी हुई होगी तो हमें उसे काउंटिंग में काउंट नहीं करना। इसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे हम दो सेंसर को यूज करके ये इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। और अब आगे की वीडियो को इंट्रो के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सीरीज का कंसेप्ट समझ लो कि सेंसर को हम सीरीज में क्यों यूज करेंगे। इस तरह समझो कि यहाँ पे मेरी पावर सप्लाई है और यहाँ पे मेरा एक पहला सेंसर है और यहाँ पे मेरा दूसरा सेंसर है और इसके बाद मेरा लोड कनेक्टेड है। अब देखो होता क्या है, जैसे सेंसर ए के सामने टारगेट आता है, सेंसर डिटेक्ट करता है और सेंसर एक्ट करेगा हमेशा एज अ स्विच। सेंसर को हमेशा कंसिडर करना कि वो एक स्विच है, ऑन ऑफ स्विच की तरह, और वो आगे सिग्नल देगा। पर जैसे ही दूसरे सेंसर के पास जाता है और दूसरे सेंसर के सामने कोई टारगेट है ही नहीं, तो सेंसर एक्ट करता है एज अ ऑफ स्विच, जिसकी वजह से हमारा लोड ऑपरेट नहीं करता। तो होगा क्या, हमें अगर लोड ऑपरेट करना है तो हमारा दूसरा सेंसर भी ऑन कंडीशन पे होना चाहिए। तो सीरीज में होगा क्या, हमारा लोड तभी ऑपरेट करेगा जब जो भी सेंसर हमारे सीरीज में कनेक्टेड है उन सबके सामने टारगेट होगा। अगर किसी भी एक सेंसर के सामने टारगेट नहीं है तो हमारा लोड ऑपरेट नहीं होएगा। यही बेसिक कंसेप्ट है जो सीरीज में जानना जरूरी है। और जो सीरीज के जो कंसेप्ट है बेसिकली एंड गेट को बनाता है। एंड गेट भी एक लॉजिकल सर्किट ही है जिसको हमें यह समझना है कि वो लॉजिक हमें हाई तभी देगा जब हमारे जो इनपुट डिवाइसेस है वो दोनों हाई की तरफ है या दोनों ऑन स्टेट में है। अब एक और खास बात को समझना जरूरी है, जो भी प्रॉक्सिमिटी सेंसर होते हैं अगर हम उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो होगा क्या, हमारा जो ओवरऑल सर्किट में करंट तो सेम रहेगा पर जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा हर एक सेंसर के अक्रॉस वो कुछ ना कुछ रहेगा। सेंसर हमारा एक्ट तो कर रहा है एज अ स्विच, जो स्विच की डेफिनेशन है कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप तो नहीं होगा जब भी कोई स्विच होगा, बट सेंसर की कंडीशन में हमारा कुछ वोल्टेज ड्रॉप आएगा जो आधे वोल्ट से लेके एक वोल्ट तक वोल्टेज ड्रॉप रहेगा। ये आपको बताना जरूरी था क्योंकि मान लो आपने लोड कनेक्ट किया जो 10 वोल्ट पे ऑपरेट करता है और आपने दो सेंसर लगाए, तो दोनों सेंसर की वजह से हमारे एक एक सेंसर की वजह से एक एक वोल्ट ड्रॉप होता है और हमारा जो लोड है वो 10 वोल्ट पे ऑपरेट होना था, वो ऑपरेट नहीं हो पाएगा यहाँ पे। ये चीज समझनी जरूरी है। तो इसका सोल्यूशन यही है कि मैं रेकमेंड करता हूं कि आप ओवरऑल सर्किट को 24 वोल्ट डीसी में बनाओ। जैसे होगा क्या, 24 वोल्ट डीसी का आपने एक सेंसर यूज किया, दूसरा सेंसर 24 वोल्ट डीसी का, और जो हमारा लोड होएगा वो यहाँ पे एक रिले कनेक्ट होगी जो 24 वोल्ट डीसी की होगी। अब देखो इसमें होता क्या है, मान लो सेंसर भी एक एक वोल्ट ड्रॉप करता है तो हमारी रिले, अगर मैंने दो सेंसर लगाए तो हमारे 2 वोल्ट टोटल ड्रॉप हुआ, 22 वोल्ट डीसी आएगी हमारी 24 वोल्ट डीसी की रिले पे, तो हमारी रिले फिर भी ऑपरेट करेगी। ये चीज समझनी जरूरी है, जब आप हाई वोल्टेज डिवाइस पे काम करते हैं जो 24 वोल्ट डीसी हो गया तो उसमें 1-2 वोल्ट का अगर ड्रॉप भी रहेगा तो भी हमारा अप्लायंस वर्क करता है। ये चीज भी आपको बतानी जरूरी थी ताकि आप ये भी समझ पाओ कि कंसेप्चुअली हम क्या करना चाह रहे हैं। इस वीडियो में मैं फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर को यूज करूंगा और उसकी वायरिंग को मैं समझा देता हूँ। जो दोनों फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर है वो दोनों पीएनपी टाइप है। पीएनपी और एमपीएन की डेफिनेशन के लिए मैंने एक वीडियो पहले से बनाई हुई है, प्लीज उसको जरूर देख लेना। तो अब देखो होता क्या है, ये दोनों पीएनपी टाइप सेंसर है। पीएनपी टाइप सेंसर देता है मेरे को पॉजिटिव आउटपुट, और अब मैं क्या करता हूँ, इसकी पॉजिटिव आउटपुट को देता हूँ सेंसर की सप्लाई की पॉजिटिव में। तो होगा क्या, जब सेंसर मेरा ऑपरेटिंग कंडीशन में आएगा तो सेंसर मेरा ऑपरेट करेगा दूसरे सेंसर को। इस तरह से ये दोनों सेंसर मेरे सीरीज पे ऑपरेट होते हैं। तो जो हमारा दूसरा सेंसर है वो तभी ऑपरेट करेगा जब हमारा पहला सेंसर ऑन कंडीशन में। ये बेसिक चीज थी,
और अब मैं आपको प्रैक्टिकली वायरिंग समझा देता हूँ कि कैसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे अपने सेंसर को। तो ये रहा मेरा ओवरऑल सेटअप और यहाँ पे मेरी पावर सप्लाई है जिसको मैं SMPSP कह सकता हूँ। ये 220 वोल्ट AC को 24 वोल्ट DC में कन्वर्ट करेगी जो हमारी सप्लाई होगी सेंसर और रिले के लिए। यहाँ पे मेरी 24 वोल्ट DC की रिले है, ये 2 पोल की रिले है, मतलब इसमें 2 NO 2 NC और 2 कॉमन होंगे। ये 24 वोल्ट DC पे ऑपरेट करती है रिले और यहाँ पे मेरे दोनों फोटो इलेक्ट्रिक सेंसर हैं 24 वोल्ट DC पे काम करेंगे। इसमें ब्राउन ब्लू ब्लैक होएगा जिसको मैं समझाऊंगा कि हम कैसे कनेक्ट करेंगे इन दोनों सेंसर को सीरीज में, क्योंकि यहाँ पे 3 वायर के सेंसर है ये दोनों। ये दोनों सेंसर मेरे PNP टाइप हैं और आप देख सकते हैं दोनों 3 वायर सेंसर हैं। ये सेंसर हमारा ऑपरेट करता है 10 वोल्ट से लेके 35 वोल्ट DC के ऊपर। मैं 24 वोल्ट DC की सप्लाई यूज़ करूँगा और इसमें ब्राउन ब्लू होता है एक सेंसर के लिए उसकी सप्लाई वोल्टेज जो उसका पॉजिटिव नेगेटिव होएगा, और ब्लैक वायर होता है PNP टाइप में हमें आउटपुट पॉजिटिव मिलती है। तो मैं क्या करूँगा, जो एक सेंसर की ब्लैक वायर होगी उसको कनेक्ट करूँगा दूसरे सेंसर की ब्राउन वायर के साथ। इससे हमारे दोनों सेंसर सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे और अब देख लेते हैं वायरिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम ब्राउन वायर को V पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और ब्लू वायर को V नेगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। ये चीज़ SMPS के ऊपर लिखी होती है, आप चेक भी कर सकते हो कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही है। आप देख सकते हैं कि हमने एक सेंसर को कनेक्ट कर लिया है, उसकी ब्लैक वायर को भी हमने खाली छोड़ दिया है। हम क्या करेंगे, ब्लैक वायर को दूसरे सेंसर के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे और जो ब्लू वायर को डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे। अब देख सकते हैं कि हमने ब्लैक वायर को सेंसर की ब्राउन वायर के साथ कनेक्ट कर दिया है जो हमारे दोनों सेंसर PNP टाइप है, और एक एक्स्ट्रा वायर को लेके जो ब्लू वायर है सेंसर की नेगेटिव वायर उसको डायरेक्टली नेगेटिव सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। आप देख सकते हैं, अब देख लेते हैं कि रिले को कैसे कनेक्ट करेंगे। रिले में 13-14 होता है, तो 14 रिले का पॉजिटिव होता है और 13 रिले का नेगेटिव होता है। तो क्या करेंगे, हम सेंसर की ब्लैक वायर को 14 नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे क्योंकि सेंसर हमारा पॉजिटिव आउटपुट देगा और 14 नंबर रिले का पॉजिटिव होता है, आप देख सकते हैं। और रिले का जो 13 नंबर होता है उसको डायरेक्टली V नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे जो सप्लाई की नेगेटिव वोल्टेज होती है। आप देख सकते हैं कि सेंसर की ब्लैक वायर 14 पे है और जो सप्लाई की नेगेटिव है वो 13 नंबर पे है। अब आप सीरीज में देख सकते हो कि जैसे एक टारगेट आता है एक सेंसर के सामने, मेरी रिले ऑपरेट नहीं होती। रिले मेरी तभी ऑपरेट होगी जब मेरा दूसरा टारगेट भी आ जाता है। आप देख सकते हैं रिले की इंडिकेशन लाइट से भी कि मेरी रिले ऑपरेटिंग कंडीशन पे है जब दोनों सेंसर के सामने टारगेट आ जाता है। यही चीज़ है आपको जानना ज़रूरी है सीरीज में। और अब हम इसके साथ एक लोड भी कनेक्ट करेंगे जो यहाँ पे एक AC बल्ब होएगा। लोड की एक तार को हम कनेक्ट करेंगे रिले की 9 नंबर के साथ जो रिले का कॉमन पॉइंट है, और रिले की जो दूसरी वायर है उसको कनेक्ट करेंगे लाइव वायर के साथ। आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से कनेक्शन करेंगे सेंसर और रिले के। और अब हम एक तार लेंगे और एक तार को हम रिले के 5 नंबर के साथ कनेक्ट करेंगे जिसका दूसरा एंड न्यूट्रल सप्लाई के साथ कनेक्ट होएगा। आप देख सकते हैं, आप अपने कनेक्शन भी वेरीफाई कर सकते हैं कि लोड की एक तार डायरेक्टली लाइव के साथ कनेक्टेड है और लोड की जो दूसरी तार है वो रिले की 6 नंबर के साथ कनेक्टेड है, और हमने एक एक्स्ट्रा वायर लेके रिले की 5 नंबर के साथ हमने न्यूट्रल को कनेक्ट किया हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपके कनेक्शन हो जाते हैं कंप्लीट। अब आप देख सकते हो ऑपरेशन कैसे हो रहा है। तो जैसे ही दोनों सेंसर के सामने टारगेट आता है मेरा लोड ऑपरेट हो जाता है जो यहाँ पे मेरा एक AC लोड है। आप लोड की जगह कोई भी अप्लायंस ले सकते हो, AC DC। आपको पहले रिले ऑपरेट करनी है और रिले के थ्रू अपना लोड चलाना है। आप देख सकते हैं बॉटलिंग प्लांट ऑटोमेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, और वहां पे एक प्रॉब्लम आती है, हमें ये डिटेक्ट करना है कि कितनी खड़ी हुई बोतल पास हुई सेंसर के सामने से। तो हम करते क्या है, हम 2 सेंसर को लेते हैं, एक सेंसर एक हाइट पे और एक सेंसर दूसरी हाइट पे। ये दोनों सेंसर इस हाइट पे कनेक्टेड है जो हमारी बोतल की हाइट होगी। तो जैसे ही बोतल पास होगी हमारे दोनों सेंसर उसको डिटेक्ट करेंगे और काउंटर हमारा उसी को रीड करेगा जब दोनों सेंसर को डिटेक्ट करेगा। मान लो हमारी बोतल गिरी हुई पास होती है सेंसर के सामने से, तो जो ऊपर वाला सेंसर है वो डिटेक्ट नहीं करेगा जिसकी वजह से काउंटर उसको रीड ही नहीं करेगा। ये बात आपको समझाना जरूरी था कि कैसे हम सीरीज को यूज कर रहे हैं इस एप्लीकेशन को सॉल्व करने के लिए। आप इस सीरीज कनेक्शन को अलग अलग एप्लीकेशन में भी यूज कर सकते हो अगर आपको राइट नॉलेज होगी, और इस सर्किट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है,
जिससे आप लोगों की मदद हो सके कि कैसे हम इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैंने पूरी कोशिश की आपको प्रैक्टिकली समझा सकूं कि कैसे हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे अपने सेंसर के साथ, और आपको एक एप्लीकेशन भी समझाई कि कैसे हम सीरीज को यूज कर सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मैं आने वाली वीडियोस में काफी सारी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा जो अलग अलग सेक्टर में होंगे, चाहे वो PID कंट्रोलर में हो, चाहे वो ड्राइव्स में हो, चाहे वो PLCs में हो। मेरे का आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट एक यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, जिससे जो आने वाली वीडियोस है ऑटोमेशन से रिलेटेड वो आपके पास सबसे पहले आए। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।